गोंडा जनपद के थाना क्षेत्र तरफगंज अंतर्गत चार दिन पहले 21 जनवरी को लापता हुए 9 वर्षीय बच्चे का शव गांव के पास कुएं से बरामद हुआ। थाना क्षेत्र के ग्राम सभा घांचा बीकापुर का मामला है, जहां 9 वर्षीय बच्चे कमलेश यादव उर्फ लल्ला पुत्र स्वर्गीय नंगू यादव के घर से गायब होने की सूचना थाने पर दी गई। घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद गायब मासूम लड़के का पता नहीं लगाया जा सका। आखिरकार चौथे दिन रविवार को लापता बच्चे का शव ग्रामीणों को गांव के ही कुएं से बरामद हुआ, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। घटना स्थल पर हजारों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने विरोध किया। मौके पर क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष समेत थाने की पुलिस तैनात है। जो मृतक था आपका कौन था? हमारा भांजा था। कैसे घटना हुई है, क्या हुआ? घटना आज 4 दिन पहले गायब हुआ, 2-2.5 बजे के बीच में दिन में। हाँ, न्याय मिले नहीं। पुलिस क्या कर रही थी, कैसे मिली रहा, इसका मतलब पुलिस की जानकारी है। पुलिस के जानकारी में यह हत्या हुई है, बताए कैसे हुई। ड्यूटी पर पुलिसकर्मी कहाँ तैनात थे? एकदम बगल में जहाँ पे लाश मिली वहीं पे बगल में पुलिस वाले ड्यूटी पे थे। बिस्तरा मौजूद है, कौन था ड्यूटी फिर से बता दीजिए। नंदराम यादव जी, हमारा भांजा है। उम्र क्या रही होगी? उम्र 10 साल। क्या नाम था? कमलेश यादव। कैसे घटना हुई? घटना हुई 2 बजे रात को, वो 2 बजे दिन को यहीं पे खेल रहा था। खेलते खेलते लड़का गायब हो गया। कितने दिन पहले? 4 दिन हो गया, आज शायद पचवा दिन है। फिर पता नहीं चला, इस गांव से पता नहीं चला कि बच्चा कहां गया। पुलिस प्रशासन को सूचना किए, आई पुलिस, बैठी थी ड्यूटी दे रही थी, वहीं बगल में पुलिस पहुंची है, बगल में लाश मिली। अभी शाम को कुआं ताल देखे, परसों कुआं ताल देखे, चौथ रोज कुआं ताल देखे, कुआं ताल में कहीं नहीं मिली, आज लाश कुआं ताल में मिली।